आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो सर हमको प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन है -2/3 × 3/5 + 5/2 − 3/5 × 1/6। तो इसमें सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज को फाइंड करेंगे। हमारा क्वेश्चन है तो −2/3 × 3/5 + 5/2 − 3/5 × 1/6। तो अब इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कैसे कि 3/5 और −3/5 − 3/5 यहाँ पे एक साथ ही है। तो उसका यूज़ करके लेते हैं −2/3 × 3/5 − 3/5 × 1/6 ना, और लास्ट में देंगे 5/2। तो हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सुनकर से हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a × b + a × c। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी 3/5 दो बार, तो हमने इसको एक साथ लिख दिया, तो एक साथ लिख देंगे तो प्लस माइनस हुआ माइनस −3/5 और −2/3 + 1/6। तो 1/6 नीचे आ गया, 1/6 मान नीचे आ जाएगा। अब 5/2 बचा लास्ट का, हम लास्ट में लिख देंगे 5/2। उसके बाद ये दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो इनका डिनोमिनेटर पहले चेंज करेंगे। तो 3 और 6 का आएगा 6 ही, तो 3 2 6 1 जा, तो 2 2 जा और 1 1 जा। तो −3/5 का −4/6 + 2 6 + 6 × 1 = 1 ही आएगा, और क्योंकि 1 जा 1 और 6 1 जा 6 + 5/2। अब इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे, हमने इसको प्लस करके लिख दिया है। अब ये 1 जा और ये 2 जा कर जाएगा और ये 1 जा, ठीक है। तो 1 जा 1 और 1 2 जा, तो −1/2, तो −1/2 हो गया, और +5/2 प्लस माइनस हुआ माइनस, तो क्योंकि 5 बड़ा है पॉजिटिव का, तो 4 लिखेंगे पूरा, और 2 का 2 कट जाएगा 1 और 2। सो 2/1 आंसर आएगा 2 हमारा। यहाँ पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है।